लोग का स्वागत है और आज दोस्तों मैं आप लोगों को Realme 5S का एक अनबॉक्सिंग और एक हैंड्स ऑन यहां पर देने वाला हूं। और रिसेंटली अभी Realme X2 Pro के साथ में ही इसको लॉन्च किए, जहां पर इसमें आपको सिर्फ दो ही ऐसे चेंजेस मिलते हैं। एक आपको यहां पर है इसका 48 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा सैमसंग सेंसर के साथ में, और एक नया कलर इसमें आपको मिलता है वो क्रिस्टल रेड। बाकी सेम है, Realme 5 जैसा ही मिलता है, उसके अलावा आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलते। इसका जो बेस वेरियंट है दोस्तों 464 आपको 10,000 का मिलता है, इसमें 332 वाला आपको वेरियंट नहीं मिलेगा, और एक 4128 जो आपको कुछ 11,000 का मिलता है। और ये आ गया मार्केट में, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद Realme 5 जो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसके बाद आपको Realme 5S ही मिलना शुरू होगा। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को Realme 5S की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, बॉक्स आपको जिस तरह का मिलता है सेम बॉक्स है दोस्तों जैसे कि Realme 5 में था, बस यहां पर आपको 5S लिखा हुआ है। और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, Realme 5 में 12 मेगापिक्सल प्राइमरी था, यहां पर 48 मेगापिक्सल है। ये सैमसंग वाला सेंसर है दोस्तों, जी हां सैमसंग का सेंसर है, और बाकी सारे स्पेक्स आपको सेम मिलते हैं। बस यहां पर उन्होंने एक और नया कलर ऐड कर दिया है, वो है क्रिस्टल रेड, जो हमारे पास यहां पर आया है, और उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता दूंगा। यहां पर सार वैल्यू की बात करूं दोस्तों, आप देखेंगे आपको हेड के लिए 1.180 वाट्स पर किलोग्राम है, और बॉडी के लिए 0.631, तो हेड के लिए काफी ज्यादा है और बॉडी के लिए ठीक है। एनीवेज हमारे पास जो वेरिएंट आया वो 4GB रैम 128GB वाला है, एकदम पैक है। तो फटाफट से हम यहां पर हमारी नाइफ को लाते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सील को तोड़ दिया है और फटाफट से प्लास्टिक को यहाँ से निकाल देते हैं और फटाफट से यहाँ पर हम बॉक्स को ओपन करते हैं। ये ओपन होता है दोस्तों, साथ में मैं आपको उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 6.5 इंच की HD प्लस की एक IPS वाटरप्रूफ नॉच वाली यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलती है, अब दोस्तों डिस्प्ले आपको सेम मिलती है जो Realme 5 में थी, तो वहां पर आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। प्रोसेसर की बात करूं तो आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 665 वाला प्रोसेसर मिलता है, सेम प्रोसेसर है दोस्तों जो आपको Realme 5 में मिल रहा था। सेम आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। पीछे आपको क्वाड कैमरा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्राइमरी 48 मेगापिक्सल है, यहां पर सैमसंग का सेंसर है, बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ, आपको वो सब कुछ वहां पर सेम मिलता है। सामने की तरफ आपको यहां पर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, और यहां पर भी आपको सब कुछ सेम है, इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। तो ये थे सारे स्पेक्स जो बहुत जल्दी हो गई। और एनीवेज बॉक्स को ओपन कर दिया है, सबसे पहले आप देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा है, और हां आप देखेंगे आपको यहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल रहे हैं, आपको एक बैक केस मिल रहा है जो थोड़ा सा अलग टेक्सचर में उन्होंने यहां पर प्रोवाइड किया है। और दोस्तों आते हैं हमारी फोन की तरफ, जो एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल रेड है, आप देख सकते हैं, और यहां पर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग डायमंड कट आपको यहां पर डिजाइन दिख रही है, और आप देख सकते हैं कर्व्ड एजेस है, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। एक्चुअली में ये नया कलर है, तो हां देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, लेकिन पीछे यहां पर भी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है जैसे कि Realme 5 में था, तो हां वहां पर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे। तो जिस तरीके का काफी मैसिव फोन है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना, मतलब वन हैंड यूज के लिए इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। उसको फिलहाल के देखते साइड में, देखते बॉक्स में आपको क्या मिलता है। तो आपको यहां पर एक 10 वॉट का चार्जर उन्होंने बॉक्स में प्रोवाइड किया है, और उसके अलावा आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है, तो सब कुछ यहां पर भी जो सेम है। तो ये दोस्तों बॉक्स कंटेंट, फटाफट से हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहां पर दोस्तों हम आते हैं हमारे फोन की तरफ, और आप देखेंगे आपको एकदम सेम टू सेम जो वो चीजें देखने को मिल रही है यहां पर। ये कलर ओवर 6.0.1 पर है, एंड्रॉइड 9 पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और ये देखेंगे ये है मेरे पास Realme 5, ये भी एकदम सेम है, आप देख सकते हैं, सिर्फ थीम मैंने चेंज किया हो। पीछे देखेंगे एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, लोगो की प्लेसमेंट भी आप देखेंगे एकदम सेम मिल रही है, बस कलर में यहां पर फर्क है। और हां आपको जो मेन फर्क मिलता है वो कैमरे में, तो मैं आपको वो यहां पर दिखा देता हूं। आप देखेंगे मैंने भी यहां पर एक शॉट निकाला हूं, ये 48 मेगापिक्सल से, ये 12 मेगापिक्सल से। तो 48 मेगापिक्सल का फायदा ये दोस्तों कि आप देखेंगे डिटेल देखेंगे ये आपको यहां पर वैसे काफी बढ़िया मिलती है, जबकि यहां पर आप देखेंगे थोड़ा जूम करने पर आपको ज्यादा जूम करने ये नहीं देता है, आप देखेंगे यहीं पर फंस जाता है, लेकिन यहां पर आप ज्यादा जूम कर सकते हैं, आप देखेंगे इस तरफ। तो ये एक फर्क आपको यहां पर मिलता है कि अभी आप यहां पर काफी शार्प और डिटेल में पिक्चर निकाल सकते हैं Realme 5S से, जो पहले Realme 5 में आपको नहीं मिलता था। थोड़े बहुत सैंपल्स दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन भी किया हुआ आप देख सकते हैं, वैसे कुछ खास फर्क आपको यहां पर नहीं दिखाई देता है, बाकी नॉर्मली तो आपको सब कुछ सेम मिलता है, लेकिन जब आप 48 मेगापिक्सल और वहां पर 12 मेगापिक्सल से निकालते हैं, तो जब आप जूम करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा फर्क दिखाई देता है। तो हां इस मामले में आपको Realme 5S थोड़ा जो वो बेटर देखने को मिलता है। तो हां कैमरा दोस्तों फिलहाल के लिए Realme 5S का आपको बेटर मिलता है अगर आप उसको Realme 5 से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों यहां पर ज्यादा कुछ खास आपको बताने के लिए है नहीं, सब कुछ आपको सेम मिलता है। तो Realme 5S आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, देखते हैं क्या प्राइस पर आएगा, मुझे लग रहा है अंडर 10,000 ही वो लोग इसको लॉन्च करेंगे, और वैसे ही है जैसे कि Realme 5 आपको मिलता है, बस लेकिन यहां पर उन्होंने थोड़े बहुत कलर्स और कैमरे में जो वो इंप्रूवमेंट करी है। क्या कहना है दोस्तों इस फोन के बारे में, आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
One.